नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके साथ। राहुल गांधी को झारखंड हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। निचली अदालत के फैसले को झारखंड हाईकोर्ट ने पलट दिया है। अब राहुल गांधी को सशरीर कोर्ट में हाजिर नहीं होना होगा। हाईकोर्ट ने निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाते हुए पीड़क कार्रवाई पर भी रोक लगाई है। झारखंड हाईकोर्ट में आज एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी को सशरीर उपस्थित होने के आदेश को चुनौती देते हुए याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई हुई। अब इस मामले में अगली सुनवाई 16 अगस्त को होगी। मंगलवार को न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी के कोर्ट ने सुनवाई के बाद निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाते हुए राहुल गांधी को बड़ी राहत दी। राहुल गांधी के खिलाफ किसी भी तरह की पीड़क कार्रवाई पर भी रोक लगी है। राहुल गांधी की ओर से हाईकोर्ट के अधिवक्ता पीयूष चित्रेश और दीपांकर राय ने पक्ष रखा है। दरअसल राहुल गांधी ने मोदी नाम वाले सभी चोर होते हैं ऐसी टिप्पणी 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान रांची के मोराबादी में आयोजित चुनावी सभा में किया था। एमपी एमएलए की विशेष न्यायाधीश अनामिका किस्कू की अदालत में 16 जून को सुनवाई हुई थी। तब राहुल गांधी के वकील ने कोर्ट से 15 दिनों का समय मांगा था। इसके बाद अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 4 जुलाई की तारीख मुकर्रर की थी। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी पे। धन्यवाद।